मैंने आपको दिखाया जाए तो कि 20 KV का जनरेटर होने वाला था, और उसमें काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आया भाई कि सेम जनरेटर में सेम टाइप में आप 20 KVA का दिखाओ। तो आज हम लेके आ चुके हैं जो कि आपको सेम फॉर्म में दिखाने वाला। लास्ट वाले वीडियो में जो आपने देखा था जो 30 KVA का होने वाला था, सेम कंडीशन आपको होने वाला है, सेम आपको कैटेगरी दिख रहा होगा। आज हम आपको दिखाएंगे 20 KVA का है सर। हाँ जी, यानी कि जिनको 30 नहीं चाहिए 20 लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़े हुए जो डिटेल देंगे सर, सबसे पहला आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू कंगना एंटरप्राइजेज। हाँ, और आप सभी दर्शकों का मैं शिशिर गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना एड्रेस बताता हूँ। हाँ सर, हमारा शोरूम जो है झारखंड गुमला में है, और झारखंड गुमला आने के लिए आपको झारखंड की जो राजधानी है रांची, हाँ, वहाँ आना पड़ेगा। और वहाँ से 1.5 घंटे की दूरी में गुमला पड़ता है, आप आराम से आ सकते हैं। और गुमला आने के लिए आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं। और ये जो जनरेटर जो अभी हमने आपके लिए लाया है, हाँ, ये महिंद्रा का 3 सिलेंडर इंजन है, और ये महिंद्रा DD का इंजन होता है, ठीक है। और ये कंप्लीट रिफर्बिश्ड इंजन है, और ये जनरेटर जो आप देख रहे हैं ये 20 KVA का पूरा फुल लोड लेके ये चलता है। इसमें 1 साल की कंप्लीट फुल वारंटी होती है। हाँ, और ये जनरेटर को आप आराम से 60, 65, 70 एम्पियर आप देके इसको चलाइए, इसका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आएगा। आप आसानी से चला सकते हैं, बहुत आसानी से चला सकते हैं। हाँ, इसमें आप देखिए, इसमें रेडिएटर हमने नया डाला है, साइलेंसर हमने नया डाला है, 3 सिलेंडर का इंजन है जिसमें ब्लॉक पिस्टन रिंग स्लीव सब कुछ हमने नया डाला है, कंप्लीटली प्रॉपर चेंज प्रॉपर इसमें काम किया हुआ है। टैंक कैपेसिटी क्या होने वाला है? टैंक कैपेसिटी इसमें 40 लीटर की होती है, और ये आप देख सकते हैं, ये आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं अल्टरनेटर, एक बार आप देखेंगे ना ये अल्टरनेटर आप देख सकते हैं। ये जो अल्टरनेटर है ये किर्लोस्कर ग्रीन का इसमें लगा हुआ है, ओरिजिनल अल्टरनेटर है। हाँ, जो कि सिंगल फेज का है, और पावर फैक्टर इसका 0.8 होता है। और ये जनरेटर जो है 100% कॉपर में आता है, आपको फुल लोड लेके ये चलता है, कहीं भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और ये जनरेटर की कुछ खास बातें मैं आपको बताऊँगा। हाँ, ये जनरेटर काफ़ी लोग लेने से पहले 4 बातें उनके दिमाग में आती है कि अरे यार ये जनरेटर ले लेंगे पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा, सर्विस कहाँ मिलेगा। तो मैं 2-4 बातें आपको एकदम क्लियर कट बता दूँ। ये जनरेटर जो है ये महिंद्रा का इंजन है, और आज के डेट में महिंद्रा ट्रैक्टर का को बनाने वाले जो मिस्त्री हैं वो हर एक गांव-गांव में आपको मिल जाएंगे, और आसानी से वो बना सकते हैं आसानी से। ये कोई प्रॉब्लम आता है तो ये ट्रैक्टर का जो 3 सिलेंडर इंजन होता है, हाँ, उसमें जो पार्ट्स यूज होता है वो सारा पार्ट्स इसमें यूज होता है, आप ये देख सकते हैं। तो एक तो आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया कि सर्विस कहाँ से मिलेगी। आप इंडिया के किसी भी कोना में आप चले जाइए, आपको महिंद्रा ट्रैक्टर का हर एक जगह पार्ट्स मिलेगा, हर एक जगह आपको उनके मिस्त्री मिलेंगे, कोई भी टेक्नीशियन इसको रिपेयर कर सकता है। दूसरा, हमारे तरफ से 1 साल की आपको कंप्लीट वारंटी मिलेगी। 1 साल के अंदर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, कोई भी दिक्कत होगा तो जो भी पार्ट्स लगेगा वो हम आपको अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। और बहुत सारा चीज़ है जो कि वारंटी में कवर नहीं होता है, सारी बातें जो है वीडियो पे बताना थोड़ा संभव नहीं है। मैं आपको एक बार ना इसका कंप्लीट ओवरव्यू दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं। फर्स्ट तो आपको ये सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है सर। हाँ जी, सेल्फ स्टार्ट होने वाले हैं। सेकेंड चीज़, 40 लीटर का आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। एक बार आप ध्यान देंगे जो इसका रेडिएटर है भाई, आप देख सकते हैं काफ़ी, मतलब ये देखिए काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी रेडिएटर लगा हुआ है, जो आपको गर्मी के दिन में कभी भी परेशान नहीं करेगा, इजी टू कैरी है, कहीं भी लेकर जा सकते हैं आसानी से। और इस जनरेटर की सबसे बड़ी खूबी क्या है ना, हाँ, कि जैसे मान लीजिए आप टेंट का काम करते हैं, आप डीजे का काम करते हैं, ठीक है, आपका एक पिकअप में आपका पूरा डीजे का सामान सेटअप लोड हुआ है, हाँ, आप उसी पिकअप में जो बचा हुआ जगह है उसमें आप इस जनरेटर को आसानी से आप लोड कर सकते हैं। और लोड करने के लिए आपको कोई क्रेन के लिए कोई बहुत ज़्यादा लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल 2 चैनल आप लगाइए और ढकेल दीजिए, आपका आराम से लोड हो जाएगा। लोड हो जाता है जी। साथ ही आप देख रहे होंगे भाई, पीछे अगर हम बात करते हैं तो आपको कंप्लीट रेंज मिल जाता है। अगर हम जनरेटर की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट रेंज मिल जाता है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, कोई और भी जनरेटर चाहिए, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं भाई। यहाँ पर आपको 3 KVA से स्टार्टिंग है सर। हाँ जी, हमारे यहाँ 3 KVA का जनरेटर सबसे ज़्यादा बिकता है, जो कि समरसेबल चलाने के लिए और घरेलू यूज के लिए जो यूज होता है वो है। और जिनको अगर कम बजट का जनरेटर चाहिए तो हमारे पास स्टार्टिंग रेंज 22,900 रुपये से स्टार्ट है। हाँ, और आपको जिस तरह का भी जनरेटर चाहिए, मतलब जनरेटर बोल के कुछ भी चाहिए, आपको सिंपल एक ही जगह आना है, कंगना एंटरप्राइजेज गुमला, जो कि हमारा ऑल ओवर इंडिया इसका डिलीवरी होता है। आप घर बैठे भी चाहो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल, आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए, कैश ऑन डिलीवरी में सामान मंगाइए। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कैश ऑन डिलीवरी में आपको 40% एडवांस आपको करना पड़ेगा, तभी आपका ऑर्डर बुक होगा। इसलिए कि ये महंगा प्रोडक्ट है,
इसको अगर हम किसी को बिना एडवांस का भेज देते हैं और कल जाके वो सामान रिसीव नहीं करेंगे तो हमारा भेजने और मंगाने में काफ़ी लंबा हमारा लॉस हो जाएगा। इसलिए हम लोग बिना एडवांस का कोई ऑर्डर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये जनरेटर का जो रेट है 1,90,000 रुपये होगा, GST और भाड़ा अलग होगा, इसके साथ बैटरी इंक्लूड नहीं होता है, बैटरी आपको अपना लगाना पड़ेगा। बैटरी इसलिए इंक्लूड नहीं हम लोग करते हैं क्योंकि बैटरी में गारंटी वारंटी की बहुत समस्या होती है, वो आप अपना लोकल बाजार से खरीदेंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको वहाँ से रिप्लेस करवा सकते हैं, अपना वारंटी कवर करवा सकते हैं। इसलिए बैटरी का हम लोग इसमें रेट कभी नहीं जोड़ते हैं। और भाड़ा जो भी है ऑल इंडिया आपको जहाँ भी मंगाना है आप मंगा सकते हैं। एवरेज भाड़ा आप मान के चलिए 6,000 से 10,000 के बीच में इंडिया का किसी भी कोने में ये जा सकता है, आसानी से पहुंच जाता है। बाकी किसी प्रकार का डाउट हो भाई तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, ऑर्डर बुक कराइए सर, अपने घर तक आप बैठे मंगा सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लोगों का रहता है कि ये तेल कितना खाता है। हाँ, तो ये 20 KVA का जनरेटर जो है ये तेल आपका लगभग 2 लीटर से लेके 3.5 लीटर के बीच में ये तेल खाएगा। जैसा आप लोड देंगे वैसा तेल खाएगा, लोड के अकॉर्डिंग जी थोड़ा बहुत भाई फ्लक्चुएट करेगा। और माइलेज होता इसका है। हर 300 घंटा में हाँ। आपको इसका मोबाइल को चेंज करना है, ठीक है। इसको चलाने के लिए सिंपल यहाँ एक बटन है, आप इसको दबाएंगे जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल हाफ सेल्फ में जनरेटर स्टार्ट होगा। और इसका आवाज़ बहुत कम है, मतलब साइलेंट जनरेटर में जितना आवाज़ होता है लगभग उतना ही आवाज़ हमने इसको मेंटेन कराया है। मतलब ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ चलेगा। मतलब आप इसको साइलेंट जनरेटर में जितना पैसा लगाते हैं 5-6 लाख रुपए लगाते हैं आप, 1,90,000 रुपए में 20 KVA सिंगल फेज का जनरेटर आप लगभग साइलेंट जनरेटर के रूप में आप इसको ले सकते हैं, लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, बाकी जो भी डाउट होता है भाई आप कॉल करके डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ों को एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट यही बताना चाहूँगा कि अगर जनरेटर से रिलेटेड किसी प्रकार का क्वेरी हो, कोई भी जानकारी लेना हो या फिर कोई भी जनरेटर परचेज करना हो, ऑन स्क्रीन नंबर चल रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, अपना ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।